मुश्किल से 1 महीना यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल है, फिर अडेप्ट हो जाते बच्चा। रिकमेंडेशन इसीलिए क्योंकि वहाँ पे पहली बात इंडिया में उतनी सीट्स नहीं है, और अगर जो भी प्राइवेट सीट्स है वो लिमिट से क्रॉस है, मीन्स फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा हाई है। और एक अच्छी बात है यहाँ पे लैंग्वेज की कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज की क्लासेस लगती है अलग से। आज हमारे साथ में शिवम सिंह है जो कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं और करेंटली फर्स्ट ईयर में अपनी MBBS की पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं। उनको आए लगभग 4 to 5 months हो गए हैं, 1 semester हो गया है और हम इनसे मिलने के लिए आए हैं, तो आप जानते हैं कि इनका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस था। हेलो सुयश, कैसे हो? बढ़िया सर। कैसे चल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा सर, हॉस्टल से लेके यूनिवर्सिटी, टीचर्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। मीन्स टीचर का डायरेक्ट इंटरेक्शन, आप यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ता है और टाइम टू टाइम टास्क मिलते हैं डेली बेसिस पे, वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करो और फिर टीचर से बॉन्ड जितना अच्छा उतने ज़्यादा टीचर यहाँ इम्प्रेस रहते हैं डिसिप्लिन से लेकर। वो पहले आपका आउटफिट देखते हैं, फिर आपका वोकैबुलरी, आप किस लेवल पे कम्युनिकेट कर पा रहे टीचर से। और एक अच्छी बात है यहाँ पे लैंग्वेज की कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज की क्लासेस लगती है अलग से। फर्स्ट सेमेस्टर में अभी सिर्फ रशियन और किर्गिज की क्लासेस है, सेकंड सेमेस्टर में फिर लैटिन सीखने मिलेगा, तो लैटिन हमारे मेडिकल से रिलेटेड रहेगा। बाकी किर्गिज यहाँ लोकल लोगों के लिए, क्योंकि हम जो 5 ईयर की कोर्स है उसके बाद सिक्स ईयर में हमें इंटर्नशिप करनी है, तो उस हिसाब से हॉस्पिटल से जो भी हमें डील करनी पड़े पेशेंट को, तो ये हमें सिखा दिया जाता है। जो आप लोग का क्लास यहाँ पे लगता है वो प्रॉपर इंग्लिश में लगता है? यस सर, क्लासेस प्रॉपर इंग्लिश में और इजी टू लर्न है। अभी तक आपको कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा यहाँ का? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव है, सीजन के हिसाब से यहाँ पे व्यूज चेंज होते रहते हैं, बाकी ये बहुत कंपैटिबल है। एक मेजर कंसर्न रहता है कि जब हम आते हैं तो एक ठंड का रहता है कि हाँ बर्फबारी होता है तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे करेंगे, एक माइंड में रहता है। तो अभी ऑलमोस्ट विंटर क्लोज होने वाला है, तो ये कैसे रहा आपका विंटर सेशन? विंटर सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। पहली बार फिलहाल स्नो में देखना हमने सिर्फ एनालाइज किया था, लेकिन अब रह रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ऐसा तो नहीं होता कि बहुत ज्यादा ठंड लगता है? जैसे कि आपके हॉस्टल्स में हीटर लगे होंगे? यस सर। क्लासरूम में आई थिंक हीटर? यस सर, क्लासरूम में हीटर है और हॉस्टल्स में तपीनिया है जिसे प्रॉपर रूम कॉम्पैक्ट पूरा पैक है, तो हॉस्टल्स में ठंड का कोई इशू नहीं है। हम क्लास पहुंचते हैं उसमें कोई इशू नहीं है, बाहर है तो बाहर हमारे जैकेट्स वगैरह इतने हैं कि हम अडेप्ट हो चुके हैं यहाँ पे। मुश्किल से 1 महीना यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल है, फिर अडेप्ट हो जाते बच्चे। फूड वगैरह कैसे है? फूड वगैरह बहुत बढ़िया है, कंसल्टेंसी के जो हॉस्टल्स है यहाँ पे टाइम टू टाइम नाश्ता खाना बहुत प्रॉपर है। लास्ट सुयश, केएसी से आपका कैसा एक्सपीरियंस है? केएसी का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपके जो इंटरमीडिएट्स थे, जो आपके सबऑर्डिनेट्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमारे शुरुआती मंथ में, हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ी, यहाँ तक कि हमारे शॉपिंग से लेके सिम कार्ड तक की हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। मैं प्रॉमिस किया था आप लोगों से मिलने आऊंगा। यस सर, आ गया। अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे? नो सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और आपने जो जो चीजें कहा था कि सेटिस्फेक्शन तो यहाँ पे पूरी है, जो आपको बताया था चीजें उसी तरीके से यहाँ पे। यस सर, जैसा आपने कहा था वो बहुत सही है यहाँ पे, जो वीडियो देखे थे वही कैंपस में आया। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, फाइनली जो आपको पता है कि नीट में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड सीट्स है, तो उन बच्चों के लिए आप केसी को कितना रिकमेंड करोगे और क्यों रिकमेंड करोगे? सर, रिकमेंडेशन इसीलिए क्योंकि वहाँ पे पहली बात इंडिया में उतनी सीट्स नहीं है, और अगर जो भी प्राइवेट सीट्स है वो लिमिट से क्रॉस है, मीन्स फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा हाई है। और ये केएसी एक फेमिलियर फॉर्म है कि आपका जो टारगेट है वो भी अचीव करोगे, आपको डॉक्टर का टैग भी मिलेगा, अर्थात में आपको जो चीज़ें सीखनी है वो आपको प्रॉपर मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा टाइम मिल जा रहा है, और आपने जो सजेस्ट किया था यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए बहुत सही चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच सुयश, आई होप आप अच्छा डॉक्टर बनेंगे यहाँ से। यस सर, एंड वी विल मीट यू अगेन। यस सर, थैंक यू सर। किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में आके अपने MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं। ओ स्टेट यूनिवर्सिटी में लगभग 15 से 20 साल से इंडिया से स्टूडेंट्स आके यहाँ पे अपनी MBBS की पढ़ाई करते हैं। बजट में एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस का वीडियो शूट हमने किया हुआ है कि यहाँ का कैंपस कैसा है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स कैसे हैं, यहाँ के मेस कैसे हैं, हॉस्टल्स कैसे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है, इस सब का टूर हमने ऑलरेडी किया हुआ है।
ये सारे वीडियो आप हमारे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। और YouTube में जब भी आप वीडियो देखें तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।